दोस्तों सभी का लेबर कार्ड ऑनलाइन बनना शुरू हो गया है। अब आपको लेबर कार्ड बनाने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड के जरिए लेबर कार्ड अप्लाई करके बना सकते हैं। और एक बार दोस्तों आपका लेबर कार्ड बन गया तो गवर्नमेंट के 12 से ज्यादा ऐसे स्कीम है जिसका दोस्तों आप लेबर कार्ड से बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ तक कि लेबर कार्ड से आपको 1000 रुपए तक का जो है महीने का पेंशन भी मिलने वाला है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी स्कीम का आप फायदा ले सकते हैं लेबर कार्ड के जरिए। तो कैसे आप अपना लेबर कार्ड अप्लाई करेंगे, ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख लीजिए और सर्च करना है। आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा, आप देख सकते हैं, इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है ये इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अलग अलग स्टेट का नाम देखने को मिलेगा और उसका जो लिंक है वो भी दोस्तों इस साइड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप लेबर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कई स्टेट का लिंक नहीं दिया है, जैसे कि आप देखेंगे तो कुछ स्टेट यहाँ पर ब्लैक में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लिंक नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं इस स्टेट का भी। उसके लिए बस आपको ये पूरा वर्ड जो है कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको नए पेज में आना है और यहाँ पर वही वर्ड को पेस्ट करना है और सर्च कर देना है। आपके सामने यहाँ पर लिंक आ जाएगा, आप देख सकते हैं, तो इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, समझ गए। आपके सामने इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेबर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको आधार सत्यापन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, आधार कार्ड में जो नेम है उसे यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे आपके सामने जो फॉर्म है ये ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। वर्कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है, ऑनलाइन ही भरकर जो है आप लेबर कार्ड बना सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो नेम है वो यहाँ पर आ गया है आपके आधार कार्ड से, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आज का डेट भी आ जाता है। अब यहाँ पर बस आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। एरिया आपको बताना है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसकी साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ से जो है नीचे आना है, यहाँ पर वार्ड नंबर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसे यहाँ पर बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है, ठीक है, पूरा एड्रेस। उसके बाद जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो इस वाले बॉक्स के अंदर टाइप करना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, बस ऑटोमेटिक दोनों एड्रेस यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम टाइप करना है। अगर आप एक महिला हैं तो अपने हस्बैंड का भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ वर्क सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, अदर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना है, जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो कैलेंडर के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कैलेंडर ओपन होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड है उसे अपलोड करना है, ठीक है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे आधार कार्ड। और याद रखना इसमें पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए और साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसके बाद आपका जो कास्ट है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कास्ट से आप आते हैं। जिसके बाद दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है, अपने फादर का या फिर अगर आप एक महिला है तो हस्बैंड का भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर ESI नंबर मांगा जाता है तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन लेवल सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से। आपका जो जेंडर है मेल फीमेल वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जिसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना है, यानी कि पिछले 12 महीने में आपने कहाँ काम किया है, ठीक है, क्या काम किया है, वो सब दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में बताना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने हिसाब से पूरा डिटेल फिलअप कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन
इन्फॉर्मेशन देना है इस तरह से क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको देना है जिसमें आपको जो है लाभ वगैरह मिलेंगे सरकार की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर सही से डिटेल आप फिलअप करेंगे जिसमें IFSC कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जिस भी बैंक में खाता खुला हुआ है उस बैंक का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है, दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो बैंक का पासबुक है उसे अपलोड कर देना है जिसकी साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आपको यहाँ पर PDF फाइल में अपलोड करना है। उसके बाद आवेदक यदि पूर्व से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आप इसे जो है नो कर देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं है सदस्य तो नो करेंगे। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं बना है तो आप इसे नो कर देंगे। लेकिन अगर आपका राशन कार्ड बना है यस करेंगे तो यहाँ पर राशन कार्ड को भी अपलोड करना पड़ेगा, साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी दोस्तों यहाँ पर बताया गया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फैमिली मेंबर का आपको डिटेल देना है, आपके फैमिली में जितने लोग हैं सबका डिटेल देंगे। तो नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है, रिलेशनशिप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एज आपको यहाँ पर बताना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एड मोर के ऊपर क्लिक करके और भी जो है लोगों को एड कर सकते हैं, समझ गए। तो सबका यहाँ पर नेम ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नॉमिनी का डिटेल अब आपको देना है। तो नॉमिनी का डिटेल देने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे पहले नेम, नॉमिनी का जो नेम है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। जिसके बाद जो नॉमिनी का एड्रेस है उसे दोस्तों यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा फिलअप कर लेना है। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कई ऑप्शन दिया है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब नॉमिनी का जो एज है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पूछा जाता है तो इसे आप रीड आउट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको डिटेल फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंसेंट देना है चेकबॉक्स पे क्लिक करके। अगर आप एक CSC मेंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो इसे भी दोस्तों आपको नो रखना है। सब कुछ होने के बाद बस आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसे आपको संभाल कर रखना है, ठीक है। अब स्टेटस कैसे आप ट्रैक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे तो व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप करके शो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा जो स्टेटस है ये ओपन होकर आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं। एक बार लेबर कार्ड बन गया तो बहुत से बेनिफिट आपको मिलते हैं, जैसे 1000 रुपए तक का पेंशन मिलता है, अलग अलग योजनाओं में लाभ मिलता है, आयुष्मान कार्ड बनाकर आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं लेबर कार्ड से, और भी काफी तरह के जो बेनिफिट है वो इस लेबर कार्ड से आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना।